हाँ जी बच्चों, जिस तरह बोर्ड पे थोड़ा लिखा दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, जैसे जिसनों से क्या बोलते हैं आंकड़ा विज्ञान। इसमें शुरू करने तो पहला सानू एक गल दस दी जाती है कि इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन आप 9th क्लास का जो स्टैटिस्टिक्स का आप टॉपिक किया बड़ी ही डिटेल के नाल सारा आप कर लिया सीगा, इसलिए उसका डिस्क्रिप्शन जोड़ा है उसका लिंक जोड़ा है तुम्हें इस क्लास के वीडियो दे जाएगा, तो तुम उसमें उतो पहले देखना है। उस इंट्रोडक्शन को समझने तो बाद ही तुम इस क्लास में जोड़ा करने की कोशिश करनी है। हम थोड़ा जहा अभी रिवाइज कर लेंगे अंकड़ा ज्ञान की होंगे है, सारा कुछ उस दस दिता गया है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अगे बढ़ते हाँ। 9th क्लास में 9th की गल करिए कि उस साढ़े को जो भी अंकड़े या स्टैटिस्टिक्स जितना होंगे सी उसनू असी ग्राफिकली जां चित्र ग्राफ बना के सीख लिया है कि किस तरह उसके ग्राफ असी बनाने हैं। तो उस तो बाद असी एक स्टैप होर अगे वधे सी कि इन अंकड़ों को असी न्यूमेरिकली रीप्रजेंट किस तरह करना है, मतलब कि संख्या दे विच किस तरह दर्शाना है, प्रतिनिधता। असं उस वाल वध गए सी ते जो संख्यक आत्मक प्रतिनिधता सी असं हुण इत्थों सीधा ही शुरू करना है। करना की है, इसनों थोड़ा जिहा टॉपिक नूं असीं इत्थे छड्डदे हाँ। पहला कुछ एक छोटी जी उदाहरण वेखदे हाँ। मतलब कि साडे कोल इक उदाहरण जिहड़ी है उस विच संख्यावां लैंदे हाँ, 4 3 5 7 9 8 10 3 5 3 एक और ले लेंगे असी 6। ये जो संख्यावां असी ले लईआं हन, मान लो कि साढ़े कोल कितनी संख्यावां असी पहले गिणदे हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ते 11। टोटल साढ़े कोल कितने नंबर ने, जो संख्यावां ने साढ़े कोल 11 दित्तियां गईआं ने। एन मतलब कि नंबर ऑफ साढ़े कोल जिहड़ियां ने नंबर जिहड़े कितने 11 ने। मान लो कि साढ़े कोल 11 बच्चे हन, 11 बच्चों को असी जो कैंडी या टॉफीज है वह दित्तियां, पहले बच्चे को 4 फिर 3 फिर 5 7 9 8 10 3 5 3 6 इस तरह से दे दित्तियां गईआं। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਟੌਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਫੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 4 + 3 + 5 + 7 + 9 + 8 + 10 + 3 + 5 + 3 again + 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜੋੜ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? 4 3 7 7 5 12 12 3 7 19 19 3 9 28 28 ਤੇ 8 36 36 ਦਾ 46 46 ਤੇ 3 49 49 ਤੇ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 54 54 ਤੇ 3 57 57 57 ਤੇ 6 63 63 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ 63। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ? 11। ਅਸੀਂ 63 ਟੌਫੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲ ਵੰਡਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੰਡਣੀਆਂ? 11 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
डिवाइड, पा 11 ना डिवाइड करता, डिवाइड करते हैं साढ़े को आता है 63 11, 11 6 66 तो 11 5 साढ़े को आ गया 55, ये साढ़े को आ गया 11 5 55, साढ़े को आ जाता है माइनस करा भी हूँ असी इधर 5 रह जाएगा साढ़े को इधर आ गया साढ़े को 13, 13 चो 5 माइनस किए 8, फिर साढ़े को एक 0 लगेगी, 0 लगी तो पॉइंट लग गया 11 7 77 3, अप्रोक्सीमेटली साढ़े को 5.7 आंसर जो आ जाता है। इसका मतलब कि असी पॉइंट तो पहले वाली टॉफियां जी बच्चों देवे उस तो बाद टॉफियां बाकी जो बच जाएगियां, मतलब 7 टॉफियां बचनगियां साढ़े को, एक बच्चे 5 टॉफियां आनियाँ 7 बचनगिया, ठीक है, ये साढ़े को जो इसका आंसर जो आ जाता है। ठीक है, हम एक तो असी चीज ये सीखी है इसनों असी की बोलते हैं कि असी एक औसत जां एवरेज जिहड़ी आ वो सीख ली है कि किस तरह असी कढ़दे हां, सारे संख्या जोड़ दो जिन्नियां भी संख्या उन्होंने डिवाइड कर दो तो साढ़े को एक औसत जां एवरेज जिहड़ी ओह निकल आती है। इस तों बाद सवाल आता है कि इन्हां संख्यावां नूं असी लिखते हाँ तो इन संख्याओं के मध्य के मिडल केड़ी संख्या संख्याव लिखते हैं असी, सब तो पहला छोटी संख्या असी इसनू असेंडिंग जां डिसेंडिंग ऑर्डर के लिखना है, वधदे जां घटने क्रम, सब तो छोटी संख्या 3 कितनी बार आता है 1 2 3, ऐसी लिख रहे हैं वाधे क्रम के, सब तो छोटी संख्या फिर उस तो बड़ियां संख्या आ गई, फिर साढ़े को आ गई 4 4 तो बाद आई साढ़े को 5 कितनी बार आता है 1 2 2 बारी, फिर साढ़े को आता है 6, फिर साढ़े को आता है 6 तो बाद 7 7 तो बाद की आएगा साढ़े को 8 आ जाएगा, 8 तो बाद साढ़े को 9 आ जाएगा, 9 तो बाद साढ़े को 10 आ जाएगा। संख्या हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हुण इन संख्या दे मिड दे विच कीड़ी वैल्यू आती है, दोनों साइडा तो एक एक संख्या नूं कटते जाओ, सब तो वधिया मैथड है लास्ट साढ़े को एक 5 जो बच जाता है जोड़ा कटिया नहीं जा रहा, इसका मतलब 5 जी साढ़े को एक मिड के साड़ी वैल्यू आ जी आ जाती है। दूसरी चीज़ असी यह सीखी है तीसरी गल, इन सारिया संख्यावान कि संख्या जी ज्यादा बारी आती है, देखो 1 2 3 इधरों देख लेंगे 3 कितनी बार आ रहा 3 बारी, बाकी सारी संख्या 5 2 बारी, इसका मतलब कि जो 3 है ज्यादा बार आ रहा है, मोस्ट अक्रिंग टाइम्स। हम जो तुम अपनी 9th क्लास की इंट्रोडक्शन जी स्टैटिस्टिक्स की देखोगे तो उस असी संख्यात्मक प्रतिनिधता जी गल करते हैं, असं इस बोलते हाँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के असं की सीखा से, एक सीखा से मीन मध्यमान, फिर असं सीखा सी मीडियन मध्य का, फिर असी सीखा पावर मोड बहुलक। हुण ये जो असी एवरेज एवरेज नूं असी की बोलते हैं मीन जां मध्यमान, फिर असी सीखा जिहड़ी संख्या सेंटर विच आ रही है वो की मतलब कि ये संख्या वो जी सारिया संख्यावान की प्रतिनिधता जी
कर रही है। प्रतिनिधित्व करने का मतलब ये होया कि मान लो कि 100 अलग अलग ग्रुप ने, एक ग्रुप के 100 बंदे ने, उन्होंने मीटिंग पर बुलाया गया। मीटिंग के बीच उन्होंने कहा गया कि अपने बीच एक जिहड़ा परसन है सानू मीटिंग लिए दे दिता जाए। 100 बंदे ने सलाह की, एक बंदे नू मीटिंग दे भेजण का फैसला ले लिया गया। हुण जिहड़ा एक बंदा है वह सारे रीप्रजेंट कर रहा है अपने 100 बंदे, मतलब कि जो मीटिंग के सुन के आऊगा उन्होंने दसेगा, तो जो भी फैसला लेगा वो 100 बंदा मैच करूगा, तो सारे उसी गल मनणगे। ये हो गया रीप्रजेंट। इस तरह जो पांच सारिया संख्यावान प्रतिनिधित्व जी दे रहा है, रीप्रजेंट कर रहा है। इस तरह ही 5.7 इस दे विच भी जिहड़ा ए आ संख्यावां इह सारियां नूं रीप्रजेंट जिहड़ी आ उह कर रही है। इस तरह ये साडे कोल मध्यमन होया, एक मध्यिका, ये साडे कोल की हो गया मध्यिका, मीडियन, ये साडे कोल हो गया बहुलक, मूड। इसनों असी जैड नाल डिनोट करते हाँ, इसनों असी एम दे नाल डिनोट करते हाँ, तो इसनों असी एक्स के उपर बार जिहड़ी लगा के असी दर्शाते हाँ। इस तरह ये एक साड़ी छोटी जी जानकारी दी गई स्टैटिक्स के बारे। तो हुण असी अपनी एक्सरसाइज ते आवांगे, एक्सरसाइज 14.1।